प्रयागराज कुंभ में धर्म संसद को लेकर हम बैठे हैं, और धर्म संसद इसलिए क्योंकि धर्म सा धर्म के जो तमाम मुद्दे हैं उनका जुड़ाव समाज से भी होता है, राजनीति से भी होता है, आध्यात्म से तो होता ही है। और आज धर्म संसद में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर कुंभ कितना बदला है, बदलते दौर में कुंभ कितना भव्य हुआ है, और 2019 का जो कुंभ है वो आखिर क्या देश और दुनिया को संदेश देगा। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हमारे साथ स्वामी आनंद गिरी जी हैं, महाराज जी आपका स्वागत, हमारे साथ कथावाचक सर्विस प्रपन्नाचार्य जी आपका बहुत स्वागत है। स्वामी जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं, आध्यात्म की बात करें उसका आप लोग प्रसार कर रहे हैं पूरी दुनिया में, योग की बात करें उसमें भी आपका योगदान है, लेकिन सबसे पहले आज हम कुंभ के बदलाव की बात करें। कुंभ कितना बदला हुआ आपको दिख रहा है, कम से कम प्रयागराज की धरती पर बात करें तो? अद्भुत और अलौकिक, ये घंटियों की आवाज, ये नगाड़े और ये शंख ये बता रहे हैं कि पुरातन हमेशा से सत्य सनातन की जय घोष करते आया है। ये कुंभ का फैला हुआ परिवेश मानो चंद्रमा को छोड़कर तारे जमीन पे आ उतरे हो, ऐसा दिव्य वातावरण यहाँ मिल रहा है। आज ये कुंभ पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ा रहा है, मैनेजमेंट सिखा रहा है, व्यापार, संसार, परिवार और धर्म, ये सभी बातों को ये कुंभ बड़े भली भांति ढंग से समझा रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि एक पंगत में बैठ करके हर एक जाति धर्म का व्यक्ति प्रसाद पाता है। आप यहाँ देखेंगे एक ही घाट पे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कहीं भी जन्मा हो, किसी भी भाषा को बोलता हो या किसी भी धर्म को या किसी भी जाति को रखता हो, एक घाट पे एक गंगाजल का आचमन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज के वैज्ञानिकों की है, जो उनके लिए संदेश है या उनके लिए जो सबक है या उनके लिए जो शिक्षा है, वो यह है क्राउड मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। आप यहाँ देखेंगे कि आने वालों की भीड़ में कोई कमी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के रहने की व्यवस्था कहाँ हो रही है, हर व्यक्ति भोजन कहाँ कर रहा है, हर व्यक्ति शौचालय कहाँ जा रहा है, सबकी व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त है। और ये लोग 2-5 हजार, 10 हजार या 1 लाख, 2 लाख नहीं है, आज मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर 2 करोड़ से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी दशा में विश्व यूनेस्को ने अगर कुंभ को अपनी धरोहर बनाया है तो कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा विश्व यहाँ से कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है, देखना चाहता है कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया को कैसे चलाया जा सकता है। 0% क्राइम पर 2 महीने हजारों पुलिस बल के साथ यहाँ की पुलिस बल आपको हाथ जोड़े हुए मार्ग बताते हुए मिलेगी। बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि ये बदलाव हम महसूस कर सकते हैं कि जो एक दौर था कि लोग तस्वीर खींच के ले जाते थे गरीबी की, अब वो रिसर्च करने आते हैं कुंभ में कि कैसे बदलेंगे। देसी में आपको बताऊं कि जो पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी में लग जाते हैं ना, वो कहते हैं कि हम अपने जीवन के ये 2 महीने ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। हमें न किसी चोर को पकड़ना है, हमें न किसी अपराधी को गाली देनी है, न हमें किसी शराबी को पकड़ना है। यहाँ सीधा सीधा स्वरूप है, हाथ जोड़ना है और मार्ग दिखाना है, इस ओर से जाइए, इस ओर से मत जाइए। और वो एक आध्यात्मिक जो ओरा है वो ये पूरी दुनिया को बताता है कि यहाँ पर प्रेम से, धर्म से संसार कैसे अभिभूत हो सकता है, बिना हथियारों के कैसे संसार पे राज किया जा सकता है, वो दिव्यता यहाँ इस कुंभ में देखने को मिलती है, दिव्यता देखने को मिलती है। सर्विस, ये एक अहम बात है, हमारा धर्म जो हमारी सनातन संस्कृति है वो प्रेम की बात करती है, जिस तरफ आनंद गिरी जी ने इशारा किया कि हाथ जोड़े और उसके बाद रास्ता चल पड़ा, पूरा कुंभ चल पड़ा। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक तरीके से कथा और प्रवचन की बात करें, उसमें क्या बदलाव आपको दिखता है? पहले कुछ संत आते थे, छोटी सी कुटिया होती थी, अब सब कुछ हाईटेक है। वर्तमान समय में शिक्षा का बड़ा बदलाव हुआ है, और शिक्षा के बदलाव के साथ संतों के विचार में भी आधुनिकता को लेकर के लोगों को कैसे दिशा दी जाए, आधुनिक लोग कैसे धर्म से जुड़े, इसका भी कथाओं में काफ़ी प्रभाव है, और संसाधनों का भी बड़ा प्रभाव हुआ। उस समय यंत्र नहीं हुआ करते थे और महात्माओं की आवाज़ सब लोग नहीं सुन पाते थे, अब यंत्र हैं, उनके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से और भी सब संसाधनों के माध्यम से पूरा विश्व उनके बात को सुन रहा है और दिशा प्राप्त कर रहा है। अखाड़ा परिषद की जो सक्रियता है बीते कुछ सालों में, खासतौर से उज्जैन महाकुंभ की बात करें, वहाँ से जो स्वरूप अखाड़ा परिषद को देखने को मिला वो पहले देखने को नहीं मिला था। आप मानते हैं कि अखाड़ा परिषद और उनके अध्यक्ष की जो भूमिका रही उसने कुंभ को कहीं ज्यादा विस्तार दे दिया? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बहुत बड़ी भूमिका रही, उनकी बुद्धि कौशलता, उनका कुशाग्र ज्ञान और उनके मध्य में व्यवहारिकता, उस व्यवहारिकता ने अखाड़ा परिषद के वास्तविक स्वरूप को दुनिया के पटल पे रखा। अखाड़ा परिषद और सरकार के बीच में संवाद स्पष्ट हुआ,
पहली बार गुरु पूर्णिमा के पर्व पर लोकतंत्र की पार्टी का सबसे बड़ा अध्यक्ष गुरु पर्व के दिन उनके चरणों में बैठा और गुरु पूर्णिमा से आशीर्वाद लिया और गंगा पूजन किया। उसके साथ साथ उज्जैन के अंदर जब अखाड़ा लगा तो शिवराज सरकार ने अखाड़ा परिषद की नीतियों की सराहना की, अखाड़ा परिषद के कार्यों की सराहना की, प्लेटफॉर्म का भाव लिया और आज उज्जैन के अंदर में 13 अखाड़ों का भवन बना हुआ है। सरकार ने भवन बना के दिया, यानी उससे पहले 13 अखाड़ों के भवन वहां पर कुछ के थे कुछ के नहीं थे, आज 13 अखाड़ों के भवन वहां पे हैं, संतों के निवास हैं। ठीक यहां पर भी ऐसे ही योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार के साथ अखाड़ा परिषद ने, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महंत श्री नरेंद्रगिरी महाराज और पूज्य उनके समकक्ष अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरि जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, इन संतों ने जो बैठकें की उसका परिणाम ये मिला है कि प्रयागराज की भूमि पे भी आज 13 अखाड़ों का अस्तित्व नजर आ रहा है। और ये अखाड़े बहुत काम करते हैं उदेश जी, इन अखाड़ों की सेवा साइलेंट होकर के बहुत आगे बढ़ती है। ये अपनी फोटो को ऐसे नहीं खिंचवाते हैं कि यहाँ से टीका निकल रहा है, हम प्रैक्टिकल भाव में चलते हैं। इनके पास स्कूल्स है, उनके पास कॉलेज है, गौशालाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ऐसे काम करते हैं जिन कामों को ना करे तो समझे कि सरकार में दबा कुचला गरीब और जो आदिवासी क्षेत्र है वो कहीं के धर्म जुड़ नहीं पाएगा। अखाड़े उसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसको जोड़ने का काम करते हैं। आप देखेंगे उद्देश्य इस समय कि जब अखाड़े इस समय पंगत करते हैं भोजन तो उनके साथ हजारों की तादाद में जनता बैठ के प्रसाद पा रही है और जो प्रसाद महंत के लिए बनता है वही प्रसाद वहाँ के सर्वेंट के लिए बनता है, वही प्रसाद वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बनता है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर यहाँ धरोहर के माध्यम से कि क्या सामाजिक संदेश है जो कुंभ का जो समाजवाद है वो भी हम दिखाते हैं अपने कार्यक्रम में। लेकिन सर्वेश जी, आपको लगता है कि जो चीजें जो आनंद गिरी जी बता रहे हैं कि सब कुछ होता है लेकिन ये अभी सार्वजनिक पटल पर नहीं आ रही थी, लेकिन बदलते कुंभ के दौर में जब ये सार्वजनिक पटल पर आ रही है तब इसे लोग समझ पा रहे हैं? हालांकि सवाल बहुत सारे उठते भी हैं कि सरकार अपना एजेंडा चला रही है कुंभ के जरिए। अब देखिए, बोलने के लिए तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ नुकसान ढूंढता है, लेकिन सरकार की तरफ से कुंभ में पूरा सहयोग है, साधु संतों का खूब उन्होंने ध्यान किया। जैसे अभी हम आपके न्यूज में आए तो साधु होने के नाते जान रहे हैं, आवश्यक कार्य से जा रहे हैं तो पुलिस वाले भी हाथ जोड़ करके रास्ता दे रहे हैं, ये व्यवस्था सरकार की तरफ से जो हो रही है साधुओं के प्रति। ये आप महसूस कर रहे हैं कि पुलिस वाले आपको रोक नहीं रहे? अभी हम आ ही रहे हैं, इसका हम स्वयं देख रहे हैं कि पुलिस वाले स्वयं हाथ जोड़ के, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के रास्ता दिखा रहे हैं, साधु संतों को देख के सिर झुका रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बदलते कुंभ की तस्वीर हम जरूर मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पास नहीं है तो आपको मेले में एंट्री नहीं मिलेगी, वो बंद हो चुकी है। लेकिन जैसा कि स्वामी जी कह रहे हैं कि एक साधु का वेश है तो पुलिस वाले हाथ जोड़कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इसी बदलाव की उम्मीद आप लोग करते थे जो योगी सरकार और वर्तमान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने लाने की कोशिश की? जी हाँ, निश्चित तौर पे अखाड़ा परिषद ने जिस ढंग से सोचा उस ढंग का कुंभ आज दृश्यमान हो रहा है। क्या एक संत सीएम है इसलिए ऐसा हो पा रहा है? ये भी एक वजह है, ये बहुत बड़ी वजह है। और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश को 325 विधायक देने का ये परिणाम है। 325 विधायक जब इनके पास आए तो इनको लगा कि हाँ, धर्म को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो किसको बढ़ाएंगे। और कुंभ मेले का अस्तित्व किसी व्यक्ति से नहीं है, कुंभ मेले का अस्तित्व भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। ये तो आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आज आप एंकर हैं, मैं महात्मा हूँ, आपने मुझे समय दे दिया, अब मैं क्या बोल करके इस कार्यक्रम को अभिभूत करूँ, अच्छा बनाऊँ, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। आप कौन से प्रश्न करके इस कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक ऐसे ही पद पे आने वाला व्यक्ति जब पद पे रह करके पद की गरिमा को सुशोभित करता है तो वह पद भी सुशोभित होता है और समाज का काम भी होता है। आज अखाड़ा परिषद उस पद से बैठ करके उस पद को समाज के लिए उपयोग कर रही है, सरकार और जनता के मध्य समन्वय बना रही है, जिसके कारण आज अखाड़े की भव्यता, कुंभ की भव्यता एक अलग ढंग से देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ कमियां जरूर है अधिकारियों में, कहीं ना कहीं से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अंदर थोड़ा सा भाव मुझे लगता है कि वो अनुभव की कमी कह सकते हैं, परंतु इंसान इंसान होता है, परिपूर्ण कोई नहीं होता है, और आदमी जब कुछ करता है तो कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है, उसे सीखता है, और वही चीजें आज कुंभ में देखने को मिल रही है। वो कुंभ में देखने को मिल रही है। आपकी आपसे जो मेरी बातचीत हुई, शिक्षा दीक्षा आपकी यहीं पे हुई प्रयागराज में ही, बहुत छोटे से आप आ गए प्रयागराज में, कुंभ में और क्या क्या आपको बदलता दिखा? एक तो आपने देख लिया कि पुलिस का रवैया सही हो गया, और क्या कुछ बदला कुंभ में? बहुत सी व्यवस्थाएं, जैसे सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वच्छता, स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया गया और जगह जगह शौचालय लगाए गए। हमने वह भी कुंभ देखा है
कि रास्ते में लोग शौच करते थे, निकलना मुश्किल हो जाता था। पूरी सफाई है, जगह जगह कूड़ादान रखे हुए हैं, कहीं भी गंदगी नजर नहीं आती। यह भी पवित्रता स्वच्छता। वैसे भी तीर्थराज प्रयाग राजा हैं, तो राजा की तरह इनकी व्यवस्था होनी ही चाहिए और हो रही है, सरकार कर रही है, इसके लिए हम सरकार को साधुवाद। आप कथावाचक हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, वो भी कथावाचिका हैं, आज महामंडलेश्वर बन गई, वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो आपको लगता है कि जब केंद्रीय मंत्री महामंडलेश्वर के पद को धारण करते हैं तो और उम्मीदें आपकी बढ़ती हैं? ऐसा है, धर्म संसद और मजबूती से बात करें, ऐसा है, सीधी सी बात है, हमेशा से संतों ने दिशा दिया है राजनीति को। जब भी राजनीति बिगड़ने लगी तो संतों ने ही दिशा दिया, संत स्वयं उसको आगे बढ़ करके काम किए। हमारे यहाँ भागवत में पुराण में प्रमाण है कि जब वेन का आतंक फैला तो संतों ने जा करके उसको अनुशासित किया और नया राजा बना करके उसको रास्ता दिखाया। तो संतों का तो राजनीति में प्रवेश पूर्व से ही था, कोई ये नया नहीं है और ये होना ही चाहिए, समय पर बदलाव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आनंद जी, आपको लगता नहीं क्या कि संत राजनीति को दिशा देते रहे हैं, आज भी देते हैं, और ये ताजा उदाहरण है कि केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति जी महामंडलेश्वर बनी निरंजनी अखाड़े की। लेकिन जब एक संत राजनीतिक कार्यभार के साथ आगे बढ़ता है, भगवा पहनकर वो जब कोई धर्म को लेकर फैसला लेता है, एक सांप्रदायिक सवाल और रंग देने की कोशिश होती है, वो बदलाव आपको दिख पा रहा है क्या कि वो बदलेगा इस कुंभ से? अवधेश जी, मैं आपको बताऊं, इस कुंभ के अंदर में जो टेंट जितने बने हैं, पंडाल जितने बने हैं ना, उन पंडालों को बनाने वाले बंगाली हैं और वो बंगाली 80% मुसलमान हैं। अच्छा, 80% मुस्लिम हैं, लेकिन क्या उनको कभी कोई बोलता है कि तुम मुस्लिम हो तो यहाँ नहीं आ सकते? ये संतों के पास ही वास्तविक समाजवाद है, संतों के पास ही वास्तविक समाज को समर्था करने का सामर्थ्य है कि वो समाज को हर प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं, उसके बुरे व्यक्तित्व को भी लेकर के उसको अच्छा बनने का सामर्थ्य रखता है संत समाज। आज साध्वी निरंजन ज्योति जी समाज से आती है, जिस राजनीतिक परिवेश से आती है, अखाड़े ने उनको अपनी पलकों में बिठाया और उनको आज सबसे बड़ी उपाधि अखाड़े की जो होती है महामंडलेश्वर की उपाधि से अलंकृत किया है, और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं इस धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और मानवता का प्रचार प्रसार करूंगी। हमारे यहाँ नहीं कहा जाता कि सिर्फ हिंदू धर्म की जय हो, हमारे यहाँ कहा जाता कि धर्म की जय हो, धर्म का इन द सेंस कि जो भी धर्म है उसकी सदा जय जयकार होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम सुखी हो, हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी बने, सब आरोग्य को प्राप्त करें। हम हमेशा सहना भवतु सहनो भुनक्तु, मनुष्य सहनशील बने, सामर्थ्यवान बने और हर एक व्यक्ति के अंदर में मानवता है, हम इसकी बात करते हैं। संतों के पास एक एक आश्रम में हजार हजार बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे संतों के अपने बच्चों के समान प्रिय होते हैं। एक ग्रस्त व्यक्ति दो बच्चों को पालता तो वह रोता है कि मैं कैसे इनको खिलाऊं, कैसे आगे बढ़ाऊं, लेकिन महात्मा बड़े भाव से हजार बच्चों को पढ़ाने के बाद भी कहता कि मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूं करने वाला हूं, भगवान प्रभु की कृपा है, इनके सहारे मैं भी खा रहा हूं और भगवान इनकी भी सेवा करवा रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स नॉट माय प्लेजर, इट्स गॉड प्लेजर, ये भगवान की कृपा है, ये मेरी कृपा नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है कि वह जो कराता है वही मैं कर रहा हूँ। और निरंजन ज्योति जी उसी भाव को लेकर के चली है। मैं लगभग 35 साल से निरंजन ज्योति जी जानता हूँ। निरंजन ज्योति जी 35 वर्षों से साध्वी जीवन में उसको व्यापन कर रही है, युग पुरुष परमानंद जी की शिष्या है और बहुत प्रखर वक्ता है। समाज के दबे कुचले हिस्से से आती है, जिस समाज को लोग वहां बैठने की बात करते हैं, वही समाज आज सिरमौर बनकर के ब्राह्मणों की श्रृंखला में, महामंडलेश्वर की श्रृंखला में जब अभिषिक्त हुए हैं तो उस समाज को भी एक सम्मान मिला है। उस समाज के साथ साथ नारी जगत को सम्मान मिला है कि सनातन धर्म में नारियों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का योगदान माना जाता है। ठीक है, और खासतौर से अगर सम्मान की बात करें तो किन्नर अखाड़ा आया, उसको भी एक सम्मान दिया गया। जूना अखाड़े ने कहा कि अलग से आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो सम्मान हम आपको देते हैं, और ये एक बड़ा बदलाव है भी। लेकिन सर्वेश जी, बदलाव के बीच कुछ चीज़ें नहीं भी बदलती हैं और उनका नहीं बदलना सही रहता। कोई कार्यक्रम हम करते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें लगाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर घंटा घड़ियाल और जो भजन का साउंड पीछे से आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव दिखता है या वैसा ही वो बढ़ गया? नहीं, साउंड में स्वाभाविक है बदलाव हुआ है, लेकिन अब की बार मेला प्रशासन ने यह व्यवस्था किया है कि रात में 10 बजे के बाद आप किसी प्रकार का साउंड नहीं बजा सकते, और जो साउंड बजे भी वो केवल शिविर के अंदर बजे, बाहर लोगों को परेशानी न बढ़े। हाँ। ये व्यवस्था जो है, ये बदलाव का अच्छा है जी, इसको हम लोग सराहना करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, गंगा स्नान को लेकर जो चर्चाएं हुई, पहले ये परंपरा थी कि जो शैव और वैष्णव अखाड़े हैं अलग अलग घाट हो जाते थे,
अखाड़ा परिषद की तरफ से ये कोशिश हुई थी, उसके बाद सभी एक अखाड़े आकर एक साथ स्नान करना शुरू कर दिया। ये चीज़ें कुंभ के बदलाव में हम देख सकते हैं, ये कुंभ के भी बदलाव में भी है। और इसका तो पुल का निर्माण किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस में एक ऐसा समन्वय उन्होंने स्थापित किया आज से 600 वर्ष पहले, जिसमें शैव और वैष्णव को उन्होंने जोड़ दिया, स्पष्ट कह दिया कि जो शंकर का भजन करता है और राम जी से द्रोह करता है वह शिव जी को प्रिय नहीं है, जो राम जी का भजन करता है शंकर जी से द्रोह करता है उसको राम जी प्रिय नहीं मानेंगे। इस तरह से जो समन्वय किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वह बीच में जो कुछ दूरियां भी थी वह सब पट गई और सब आपस में बैठ करके हम लोग, देखिए स्वामी जी निरंजन से हैं और हम आचार्यवाड़ा से आए हुए हैं, दोनों लोग आपस में बैठ के आपसे वार्ता कर रहे हैं। बिल्कुल है, ये भी एक बहुत सुखद चीज़ है, क्योंकि इसका एक थोड़ा सा इतिहास में और जाएंगे। उज्जैन महाकुंभ में ये पहली कोशिश हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है रामनवमी के दिन पहली बार शैव और वैष्णव अखाड़े एक साथ स्नान करने के लिए गए थे और एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो मुझे लगता है कि शैव और वैष्णव सब एक साथ एक दूसरे के समन्वय कर रहे हैं। एक सिस्टम बना है, अखाड़ा परिषद एक बहुत बड़ी प्रणाली है, उसके मध्य में डिसिप्लिन और नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सब अपने अपने नियमों को पालन करते हैं, हर एक अखाड़े के दो दो सदस्य परिषद के सदस्य हैं। अच्छा, इस बार क्या भक्तों को क्या इस बार नया देखने को मिलेगा अखाड़ों की तरफ से? अखाड़ों की तरफ से वही नया देखने को मिलेगा जो 5000 पूर्व में जो अखाड़ा शाही स्नान पर निकला था, वही अखाड़ा उसी परंपरा से आज भी वैसे स्नान करेगा। बदलना बड़ा आसान है और अपनी आध्यात्मिकता को प्राचीनता के साथ पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल है। वही जटाएं, वही भस्मी, वही दिगंबर वेश, वही ईश्वर का पावन सानिध्य, वही नंगे पांव गंगा यमुना सरस्वती का संगम का स्नान, वैसा का वैसा ही उसी स्वरूप में आप उस विधा को देखेंगे। दो बदलाव और, उन पर भी चर्चा करेंगे। अक्षय वट के दर्शन हो पाएंगे और पंचकोशी परिक्रमा होगी। पंचकोशी परिक्रमा की क्या महिमा रही है, खासतौर से प्रयाग की अगर हम बात करें तो, क्योंकि लंबे वक्त से तो इसका रूट ही पूरा गायब हो गया था। देखिए ऐसा है, रूट गायब जरूर हुआ था, लेकिन इसके पूर्व में झूसी के सुप्रसिद्ध संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने पंचकोशी परिक्रमा प्रारंभ किया था और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा के नाम से। अच्छा। और उन्होंने इसका रूट पहले से तैयार किया था, उसकी खोज किया वर्तमान सरकार ने। बीच में स्वामी जी जानते हैं, स्वामी रंग रामानुजाचार्य जी हमारे वैष्णव संप्रदाय के आचार्य थे। अच्छा। उन्होंने भी इस परिक्रमा को बीच में चालू किया था। अच्छा। एक बार स्वयं में परिक्रमा में रहा, 3 दिन की परिक्रमा थी, जगह जगह उसके पड़ाव हुए, व्यवस्था हुई, लेकिन बीच में अंतराल हुआ और उस अंतराल को वर्तमान में पूरा किया गया। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। एक मिनट, अखाड़ा की बात आई थी, स्वामी जी भी चर्चा कर रहे थे, हम भी कुछ कहेंगे इस पे। 13 अखाड़े हैं, लेकिन हर अखाड़ों के अलग अलग अध्यक्ष हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। लेकिन पूरे अखाड़े के अध्यक्ष हमारे लेटे वाले हनुमान जी महाराज के जो महंत जी हैं, पूज्य स्वामी श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज। ये जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि शैव वैष्णव एक साथ स्नान करेंगे, यह श्रेय स्वामी जी को जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्वामी जी ने दोनों संप्रदाय के आचार्यों से मिल करके जो सामंजस्य स्थापित किया, इसको हम पूरा साधु समाज सराहनीय है, उनकी सराहना करता है। हमने स्वयं देखा श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष पूज्य महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ पूज्य स्वामी जी स्वयं गए, उनको निभा के अपने आश्रम गए और चर्चाएं हुई कि वैष्णव और शैव सब साथ में बैठें और साथ में स्नान करें, जिससे एक संदेश जाए समाज को, एक संदेश जाए और सकारात्मकता हो। कार्यक्रम के आखिरी चरण में महाराज जी, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि इस कुंभ में धर्म संसद लगती रहेगी, आप लोग आते रहेंगे, ऐसे कौन से 3 मुद्दे आपको लगते हैं कि यहाँ से उठेंगे या उठने चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर समाज जवाब भी चाहता है। पहला मुद्दा है राम मंदिर हर हाल में बने, पहले राम फिर सरकार। जिसको भी मंदिर बनाना है वो पहले तय करे और जनता के बीच जाए, किसी प्रकार का वादा नहीं चाहिए, संपूर्ण संतुष्टि राम मंदिर। दूसरा वादा है कोई जाति नहीं, सिर्फ मानवता, राष्ट्र ही मेरा ईश्वर है, राष्ट्र ही मेरा धर्म है, कोई जाति नहीं। और तीसरा जो मुख्य मुद्दा है, वह मुद्दा है हर घर में हर एक व्यक्ति के पास धर्म होना चाहिए, वो धर्म इस्लाम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, यहूदी हो, कैथलिक हो, फारसी हो, जितने भी धर्म हैं,
उन धर्मों में आस्था होनी चाहिए। हमारे आचार्य इसकी बहुत विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत युवाओं को विशेष करके तैयार किया जा रहा है। हर भाषा में व्यक्तियों को समझाएं, भैया भगवान है तो सब कुछ है। जो आडंबर की संस्कृति है, जो हमें कहते हैं कि अंडे खाओ तो ताकतवर बनोगे, हम कहते हैं कि अगर अंडों में ताकत होती तो मुर्गी क्यों कमजोर होती है। ऐसे अंधविश्वास को छोड़िए और अपनी प्राचीन परंपरा को वापस, ठीक है, प्राचीन परंपराएं आगे बढ़ाइए, जीवन को धन्य बनाइए। लेकिन ये बताइए कि जिस दौर में भगवान को ये कहा जा रहा है, कोई कहता है जाट है, कोई कहते हैं वो कुर्मी थे, कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, ऐसे में लगता है कि धर्म संसद की बातें बहुत मजबूती के साथ उभर पाएंगी कुंभ में, क्योंकि रोटी सेकने वाले बहुत है राजनीति के। ऐसा है, रोटी सेकने वाले अपनी रोटी सेकते रहेंगे और संत जो दिशा दे रहा है, अगर इस दिशा को सरकार वर्तमान मानती है तो वह आगे बढ़ेगी और उसका उत्थान भी होगा और समाज का भी कल्याण होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। आप भी मानते हैं कि पहला मसला राम मंदिर है, रास्ता निकलेगा यहाँ से? निश्चित रूप से राम मंदिर तो हम लोगों का प्रथम मुद्दा है, राम से हमारी आस्था है और तीर्थराज प्रयाग से मैंने आपको सुबह में बताया था कि राम जी का पूरा संबंध जुड़ा हुआ है। राम जी का कोई ऐसा परिकर नहीं जो तीर्थराज प्रयाग ना आया हो, इसलिए प्रयाग में सब महात्मा निश्चित रूप से तय करेंगे कि राम मंदिर बनना ही चाहिए। और जो राम ने तय किया इस बार अवधेश जी, हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे, हम विपक्ष में जाएंगे, लेकिन पहले मंदिर फिर सरकार। लेकिन महाराज जी मध्य प्रदेश में तो नोटा से ही हार गई बीजेपी, लेकिन अभी कहां, वो तो अध्यादेश पे बात ही नहीं करना चाहते, वो हारना नहीं चाहता था ना, क्यों हारी, सिर्फ इसी कारण से हारी, अपने वादे को निभाइए, जो वादा न निभा सको वो वादा मत करिए, या तो ये कहिए हम नहीं बना सकते, हम नाली बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, बिजली लाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, भगवान का काम आपसे नहीं होता, आइए संतों के चरणों में बैठिए, कान पकड़िए और प्रणाम करिए कि प्रभु आपकी घंटी आप ही बजाइए, हमारे बस की बात नहीं है, संत अपने आप मंदिर बना देंगे, संत यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट लड़ भी लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भी करेंगे और मंदिर भी बना देंगे, फिर किसी पार्टी को इस विषय को बोलने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। पहला मुद्दा पहले मंदिर फिर सरकार, ठीक है, मतलब जो धर्म की संसद है वो अपना एजेंडा क्लियर करके चल रही है और इसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे उस पर हम लोगों की नजरें रहेंगी और ये चर्चा चलती रहेगी, ये मंच बना रहेगा, क्योंकि जब आस्था का ये महाकुंभ है तो ऐसे में ज्ञान का मंथन होना भी बहुत जरूरी होता है और आप जैसे संत आएंगे तो ये धर्म संसद सफल होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।